हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग हरियाणा पॉलिटेक्निक 2020 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज़ हो चुका है, कैसे चेक करना है वो बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि हरियाणा पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है, तो आपको क्या करना है, कैसे सर्च करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है, वहाँ पे आपको लिखना है हरियाणा पॉलिटेक्निक 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ हरियाणा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो इसे सर्च करेंगे। जैसे आप इसे सर्च करेंगे, नए टैब में जाएंगे, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा पॉलिटेक्निक DET काउंसलिंग जो पहले ही स्टार्ट हो गया था, अब सीट अलॉटमेंट निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जो डिक्लेयर हो गया 16 सितंबर 2020 को। रैंक लिस्ट मेरिट लिस्ट पहले ही 9 सितंबर को निकल चुकी थी। यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा पॉलिटेक्निक, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा पॉलिटेक्निक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, क्लिक हियर टू चेक काउंसलिंग डिटेल्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नए टैब में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नए टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन कर लीजिए और यहीं पर आपको चेक करना है। और ये ओपन होने में थोड़ा सा समय ले सकता है, डिपेंड करता है डेफिनेटली आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जाना है, मैंने जूम कर दिया है, यहाँ पे कौन से सेक्शन में आप, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो उस पर क्लिक करिए, अपना रोल नंबर डाल दीजिए जो भी आपका है, और यहाँ पे डिटेल है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड लिख दीजिए और ये कैप्चा लिख दीजिए। कैप्चा एक्जैक्टली सेम लिखना है, कोई भी अपने मन से नहीं लिखना है, कई बार स्टूडेंट्स अपने मन से गलत लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो है अलॉटमेंट रिजल्ट आपके सामने होगा, एंड देन आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके हरियाणा पॉलिटेक्निक 2020 के सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे क्वेरीज को क्लियर किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।